गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ मोली। आज मैं बात करने वाली हूँ अर्थ रिदम प्रोडक्ट्स के बारे में एंड ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट्स आते हैं कि आप हिंदी में थोड़ा सा बना लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास है एक नहीं, दो नहीं, 18 प्रोडक्ट्स यू गाइस। कुछ प्रोडक्ट्स जो है इनमें से वो सेकंड टाइम परचेज है और कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ। सब प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई कर लिया है एंड आई हैव सम ओपिनियंस ऑन इट। इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन नोइंग माय ओपिनियंस ऑन दिस, देन ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, स्नैक्स, डिनर, लंच, व्हाटएवर यू आर हैविंग राइट नाउ एंड जॉइन मी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। बिफोर जंपिंग इन द मेन वीडियो, आई वांट टू से कपल ऑफ थिंग्स टू मेक श्योर वी आर ऑन द सेम पेज। ओके, मेरा जो हेयर टाइप है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई है। आई एक्यूमुलेट डैंड्रफ लाइक नोबडीज बिजनेस। जब भी मैं अपने बाल ऐसे खींचती हूँ तो एक दो हेयर तो देखो, एक हेयर आ भी गया है। ऐसा नहीं है कि मैं हेयर केयर अच्छे से नहीं करती हूँ, हेयर टाइप नहीं पता है, हेयर प्रोसेसरी नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती बिकॉज हेयर फॉल एंड बॉल्डनेस इज इन माय जेनेटिक्स। बात करते हैं स्किन टाइप के बारे में। मेरा जो स्किन टाइप है वो है एक्सट्रीमली ऑयली एंड एक्ने प्रोन। आई स्टिल हैव एक्टिव एक्ने राइट ओवर हियर। मेरा एक्ने जो है वो हार्मोनल एक्ने नहीं है। आई मोस्टली गेट एक्ने राइट बिफोर पीरियड्स एंड राइट आफ्टर पीरियड्स। सो दीज आर द एक्नेस व्हिच यू कांट कंट्रोल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल changes, it happens. And skin care, hair care, everything is very subjective. जो भी products के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, कुछ products मेरे लिए काफी अच्छे से काम किया है, कुछ product मेरे लिए काम नहीं किया है. As we go along with the video, I will tell you what was the reason behind not working a particular product on my skin or my hair. जो भी product मैं आज review करने वाली हूँ, एक product review करने के बाद ना एक display में आपको मैं हर एक points देती जाऊंगी, क्या क्या key ingredients है, क्या क्या benefit मिलने वाला है, कैसे ये work करता है, क्या है, क्यों है। फ्यूचर रेफरेंस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू डिफरेंट वीडियोस ओवर एंड ओवर अगेन। क्योंकि मैं आज 18 प्रोडक्ट्स रिव्यू करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक प्रोडक्ट आपको बोलूंगी कि आज ही खरीद लो, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट एज द रेफरेंस व्हाइल परचेसिंग दैट प्रोडक्ट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू कन्वे बिफोर आई जंप इनटू द मेन सेगमेंट। सो विदाउट फर्दर डू, नाउ लेट्स गो। एज यूजुअल वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। हेयर केयर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है ये अनियन एंड बायोटिन अर्थ रिदम हेयर ऑयल। इट प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ। मेरा जो हेयर ग्रोथ है वो बॉडी पे हो, फेस पे हो, स्कैल्प पे हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। आई हैव इमेंस अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ। तो ये मेरे लिए कैसे काम करता है, मैं सिर्फ आपको वही बताती हूँ। जब भी मैं शैम्पू करती हूँ, या तो 2 घंटे पहले या पिछले दिन, मैं हेयर ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ। सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ, मैं स्ट्रैंड्स पे अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। दिस वन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग हेयर ग्रोथ एंड इट ऑल्सो स्मूदेंस योर हेयर आउट। हेयर है ना, वो बहुत ज्यादा स्मूथ फील करता है राइट आफ्टर द शैम्पू। इसको जेनरस अमाउंट पे भी यूज करूँ ना तो इतना ज्यादा हैवी नहीं लगता है मेरा स्कैल्प। ऐसा एक प्रॉब्लम हमेशा हुआ करता था जब मैं नॉर्मल रेगुलर कोकोनट ऑयल अपने स्कैल्प पे लगाती थी स्कूल टाइम में। दिस वन इज अ वेरी लाइट वेट ऑयल एंड जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने काफी ज्यादा यूज कर लिया है। मैं इसको 1 महीने से यूज कर रही हूँ एंड आई थिंक आई हैव यूज्ड इट फॉर लाइक 8 to 9 times। शेल्फ लाइफ है वो 24 months है एंड इट इज ऑल्सो अ ग्लास पैकेजिंग। द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज द शैम्पू बार। दिस इज द अर्थ रिदम शैम्पू बार फॉर फ्लेकी एंड इची स्कैल्प। तो इसका जो रिव्यू है ना वो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट पे दे दिया है। इन अ नटशेल आई विल से इट्स अ डेली क्लींजर। इफ योर स्कैल्प एक्यूमुलेट्स डैंड्रफ एंड इट फील्स इची, देन यू शुड इन्वेस्ट इन इट। क्योंकि इसका कोई और अदर रीजन है ही नहीं जो मैं आपको बताऊँ इसके लिए आपको ये परचेस करना चाहिए। इट रिमूव्स डैंड्रफ वेरी नाइसली। इट विल रिमूव ऑल द डर्ट, गंग्स एंड डैंड्रफ ऑल टुगेदर। मैं बोलूंगी ये पर्टिकुलर शैम्पू बार आप सिर्फ अपने स्कैल्प पे ही उसके जी स्ट्रैंड पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया कि मेरे जो स्कैल्प है उस पे डैंड्रफ 365 डेज होते हैं, तो मुझे डैंड्रफ रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ट्राई करना था एंड आई रियली रियली लाइक इट। दिस इज एक्चुअली अ हेक्सागन शैम्पू बार। यू कैन कीप इट लाइक दिस और यू कैन कीप इट इन द बाथरूम एज वेल। आई जस्ट केप्ट इट ओवर हियर जस्ट टू शो यू गाइस फॉर टुडेज वीडियो। मिंट की बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, तो मेरा जो नाक है वो बंद हो रहा है अभी फिलहाल, तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। So it gets a 10 on 10. नेक्स्ट आई हैव दीज टू डिफरेंट फेस वॉशेज, मैं एक साथ ही रिव्यू कर देती हूँ। ये है AHA BHA फेस वॉश एंड ये है पीसाबॉल सेंटेला फेस वॉश। दिस वन कम्स इन ट्यूब फॉर्म, दिस वन कम्स इन पंप फॉर्म। इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज्यादा वाटर लाइक है, वेयरएज इसका जो टेक्सचर है वो काफी थिक है। तो आपको ये ना बहुत ज्यादा नहीं लेना है। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था इसको यूज करना, मैं ना बहुत ज्यादा लेती थी, ज्यादा लैदर अप होता था, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था। सो ये AHA BHA फेस वॉश जब भी आप यूज करें, ई साइज अमाउंट आप ले लें एंड जेंटली मसाज करें। इज अ वेरी ब्यूटिफुल डेली एक्सफोलियर।
एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश। इसमें है नेचुरल फ्रूट एसिड्स एंड सैलिसिलिक एसिड। अगर आपके ब्लैक हेड्स है, एक्नेस है, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इट। फेस वॉश काम कर रहा है या नहीं कर रहा है डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आई डिड अ गुड ऑब्जर्वेशन विद दिस प्रोडक्ट। ट्राई टू मसाज दिस फेस वॉश एट लीस्ट फॉर अ मिनट ऑन द स्किन टू सी अ रिजल्ट। बिकॉज फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे कम समय हमारे स्किन सर्फेस पे रहता है, तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 10 सेकंड में क्या काम करेगा, है ना? तो यूज करते रहोगे, एक महीने के बाद आपको बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। आपके जो एक्टिव एक्नेस है वो धीरे धीरे ड्राई अप हो रहा है, उतना ज्यादा दर्द नहीं कर रहा है। काफी एक अच्छा फेस वॉश है, मैं कहूंगी डेफिनेटली वर्थ परचेजिंग। एंड ये जो फेस वॉश है वो मुझे काफी बेसिक लगा। यूज करना काफी ईजी है क्योंकि पंप के साथ आता है, नो डाउट। इट्स नॉट मेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्किन टाइप, तो कोई भी इसको यूज कर सकता है। इट्स अ वेरी जेंटल क्लींजर। गोदरेज का जो हैंड वॉश होता है ना, जो पाउडर फॉर्म में आता है, आपको डालना होता है, उसके साथ पानी डाल के शेक करना होता है। मैं जब इसको यूज कर रही थी, मुझे वो वाला वाइब्स आ रहा था, you know? इसमें काफी सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। मैं बोलूंगी अगर आप कोई एक्टिव यूज कर रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस वन अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग नायसिनामाइड और एनी टाइप ऑफ सैलिसिलिक एसिड सीरम। आई थिंक दिस वन विल बी अ रियली गुड combination with that particular product. These are the two face cleansers. मुझे personally दोनों ही पसंद आया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको prefer करूंगी लेने के लिए because I love using salicylic acid anyways. आई हैव 3 सनस्क्रीन्स विथ मी गाइस। पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर है, जैसा कि आपको दिख रहा है, येलो येलो येलो। सो एक एक करके बात करते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है वो है अल्ट्रा डिफेंस UVA UVB SPF of 50। ये प्रोडक्ट मैंने 2 साल पहले नायका से लिया था, तब मैंने रिव्यू किया था एंड आई डिड नॉट लाइक दैट। आप में से काफी लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया कि मोली, यू नो वॉट, यू हैव गॉटन अ डैमेज्ड पैकेजिंग, यू शुड हैव गॉन अहेड विद अ रिप्लेसमेंट और रिटर्न। बट दैट टाइम यू नो आई वॉज ऑल्सो न्यू, मुझे लगा कि वो वैसे ही है। कमिंग बैक टू दिस प्रोडक्ट, ये मुझे एक्चुअली PR में रिसीव हुआ है 6 महीने पहले एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सनस्क्रीन यू गाइस। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन दैट आई हैव ट्राइड सो फार एंड आई डोंट रिग्रेट सेइंग दिस टुडे एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई बैश दिस प्रोडक्ट ऑन दैट वीडियो। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लूइड फॉर्म यू गाइस, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, आप थोड़ा सा समझ जाओगे। अच्छे से ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। SPF of 50 है, गिव्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू योर स्किन। यू कैन यूज इट एज अ फर्स्ट of your makeup if you are applying makeup at daytime or if you are using any vitamin C product as well, you can pair this product up. आपको दिखेगा भी नहीं कि मैं सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। इस पे कोई ड्यूई फिनिश भी नहीं है, जो कि पर्सनली मुझे काफी पसंद है, क्योंकि कुछ देर बाद ना वैसे भी ये ड्यूई लगने लगता है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन एज आई हैव मेंशनड। और ये स्टडी पैकेजिंग है, ग्लास पैकेजिंग है। आवाज होगा तब आपको पता चलेगा कि ये लॉक हुआ है। नो फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट होता है, उसमें थोड़ा सा केमिकल वाला फ्रेग्रेंस भी होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल नल। नेक्स्ट मेरे पास है वंस अगेन SPF of 50 फाइटो शील्ड मैट मिनरल सनस्क्रीन। इट हैज PA क्वाड्रन प्लस, नॉट डबल प्लस, नॉट ट्रिपल प्लस, क्वाड्रन प्लस। इफ यू आर अप्लाइंग मेकअप यू प्रोबेबली शुड नॉट रीच आउट टू दिस। थोड़ा सा रनी हो जाता है, लाइक इट फील्स लाइक अ लेयर ऑफ सिलिकॉन। इफ यू आर ड्राई स्किन टाइप यू प्रोबेबली शुड नॉट गो फॉर इट। मैं भी कभी कभार इसको यूज नहीं करती हूँ अंडरनीथ मेकअप, और मैं इसके ऊपर ना प्राइमर भी अप्लाई नहीं कर सकती। एज यू कैन सी इट ब्लेंड्स रियली ब्यूटिफुली, वंस अगेन फील्स रियली लाइट वेट ऑन द स्किन एंड द टेक्सचर इज स्लाइटली थिकर देन द अल्ट्रा डिफेंस। यू कैनॉट सी एनी डिफरेंस वंस इट गेट्स ब्लेंडेड। अगर आप स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, मेकअप आपको पसंद नहीं है, यू जस्ट वॉन्ट अ गुड स्किन केयर प्रोडक्ट, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। वंस यू स्वेट एंड उसके बाद जब स्वेट फिर सूख जाता है, ग्रीजी ऑयली लगने लगता है, ये वाला वैसा फील नहीं होता है। इट स्टेज मैट अप टू 3 to 4 hours। सनस्क्रीन का तो आपको पता ही है, हर 2 घंटे में आपको रीअप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप कर सकते हो देन डेफिनेटली रीअप्लाई दिस इन एवरी 2 hours। बट ओवरऑल अगेन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन फॉर दोज डेज वेन आई एम नॉट अप्लाइंग मेकअप। आई जस्ट गो आउट लाइक एज इट इज एंड इट डज फील रियली लाइट वेट। I kept best for the last and I'm talking about this stick sunscreen from Earth Rhythm and this is my favorite. Makeup के ऊपर भी आप इसको apply कर सकते हो। It can collect peach fast, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये स्टिक फॉर्म में आता है। आप इसको हाथ में लेके अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज इट डायरेक्टली ऑन योर फेस। आप इसको टिश्यू से क्लीन कर लेना कभी कभार, बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन यू गाइज। इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन एंड यू कैन रीअप्लाई इट वेयर एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सनस्क्रीन। क्वान्टिटी इज समथिंग दैट मेक्स मी रीच आउट टू इट एवरी सिंगल टाइम। आपको दिख रहा है कितना ज्यादा क्वान्टिटी है। आई नीड टू फिक्स इट अप। अगर आपको एक्नेस प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर यूजिंग दिस, जस्ट सो यू नो, बिकॉज ऑफ द पीच फर्स्ट
एंड द गंग्स यू कैन हैव ब्रेकआउट इन सडन टाइम्स बट ऑलवेज ट्राई टू क्लीन इट अप एंड यू विल बी गुड टू गो. मैं तो कहूंगी अगर आप तीन सनस्क्रीन में से एक प्रोडक्ट चूज करना चाहते हो देन डेफिनेटली चूज द इनविजिबल सनस्टिक SPF of 50. ऑल ऑफ द सनस्क्रीन हैज PA++++ एंड SPF of 50 जस्ट बिकॉज इट इज इनविजिबल एंड इट्स ईजी टू कैरी अराउंड ईजी टू रीअप्लाई हाउ इट फील्स ऑन द स्किन यू वॉन्ट इवन फील यू हैव अप्लाइड एनी थिंग. रिसेंट लॉन्च है मुझे भी रिसेंटली ही मिला है शायद डेढ़ महीने पहले बट एवर सिंस आई गॉट माई हैंड्स ऑन इट आई एम जस्ट गोइंग बैक टू दिस प्रोडक्ट लाइक नो बडीज बिजनेस. मेरे पास दो मॉइस्चराइजर्स है. वंस अगेन वन इज द एडवांस्ड सेल रिपेयर फेस मॉइस्चराइजर फाइटो रिपेयर विटामिन सी मॉइस्चराइजर. मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है गाइज. आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट ऑन दिस बॉटल. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी क्रीम आई हैव रीच्ड आउट टू. ये मैं सिर्फ रात में यूज करती थी. मैं इसको दिन में बिल्कुल यूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन टाइप. ये थोड़ा सा ऑयली है बिकॉज आई स्लीप अंडरनीथ एसी. बिल्कुल डायरेक्टली मेरे फेस पे ना एसी की हवा आते हैं तो मुझे थोड़ा सा मॉइस्चराइज क्रीम्स की जरूरत पड़ती है रात को बिकॉज इट डज ड्राई आउट माई स्किन. दिस वन आई ओनली यूज एज अ नाइट क्रीम एंड ओ माई गॉड एवरी टाइम आई यूज इट आई फील लाइक आई वोक अप विद ग्लोइंग स्किन. मुझे उतना ज्यादा डलनेस नहीं दिखता है अपनी स्किन पे. डज हेल्प इन रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन. जस्ट वॉन्टेड टू वेक अप विद ग्लोइंग फेस एंड इट डिड हेल्प मी ऑन दैट. मुझे अच्छा नहीं लगता है ऑयली फेस मॉइस्चराइजर बट इट डिड वर्क फॉर मी एज अ नाइट क्रीम. आई वोंट से दैट यू नीड टू रीच आउट टू दिस प्रोडक्ट. ऐसा नहीं अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो लाइफ में बहुत कुछ खो जाएगा. बहुत ही बेसिक एज विटामिन सी फेस मॉइस्चराइजर है. तो अगर आपको एक बेसिक एज विटामिन सी फेस मॉइस्चराइजर चाहिए देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. Next, I have this oil-free moisturizer, but it is for hair, you guys. So this was a very unique product that I have tried. Now I used it, did not understand what was the need of using this. I'm trying to try out different products for my hair, just like I have been into shampoo bars lately. This product was something I felt really redundant. Even after using it on the strand, I did not feel any moisturization. I don't even know if you guys are looking for hair moisturizers. This one is a product, sadly, goes into the trash. Let's talk about a face mask, shall we? I'm not very consistent with face masks and I have said that quite a lot of times on my channel. So, ye hai face mask radiance with vitamin C and kaolin clay. It's supposed to remove all the excess dirt and gunk and sebum from your face. Iska jo consistency hai, wo bhi mujhe zyada kuch khas nahi lagta hai. You know, it's like a clay mask but it's very runny. Maine kafi zyada use kar liya isko aur mujhe zyada kuch nahi dikha. Like, it does not even brighten up my skin. Back in the day, I used to use clay mask because of the brightness, clean, smooth surface that I used to feel right after using a clay mask. Now I feel really redundant to use a product, sitting on a position for 15 minutes, then washing it off and getting nothing, honestly. The next product that I'm going to be talking about, please don't mind the packaging क्योंकि ये काफी पुराना packaging है and I'm talking about this propolis cleansing balm. इसका जो review किया था वो 2020 में किया था. ये 2023 end चल रहा है. मैं इसको काफी time से खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ but you need a pea-sized amount of this product and that's why मैं इसको खत्म भी नहीं कर पा रही हूँ and मैं हमेशा इसको नहीं use करती हूँ guys. Honestly जो cleansing balms है मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है. To be very honest मैं हमेशा micellar water ही prefer करती हूँ. मुझे लगता है कि cleansing balm या क्लींजिंग ऑयल यूज करने के बाद ना कहीं वो रेसिड्यू रह जाता है जहां से मुझे थोड़ा सा ऑयलीनेस फील होता है फेस पे. जस्ट बिकॉज आई फॉल इन द ऑयली स्किन टाइप कैटेगरी इट्स नॉट द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन. मैंने देखा ये प्रोडक्ट इंटरनेट पे काफी लोगों को पसंद है एंड यू माइट बी वन ऑफ देम एंड आई एम नॉट कम्प्लेनिंग ऑन एनीथिंग गाइस. जब मैं अपनी स्किन पे इसको मसाज करती हूँ मुझे लगता है कि मुझे 10 रिंकल आने वाले हैं आफ्टर यूजिंग दिस विच अ बिग रेड फ्लैग. द फील ऑफ दिस प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू एक्सपीरियंस ऑन माई फेस. नेक्स्ट मेरे पास तीन बॉडी योगर्ट्स है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ. द फर्स्ट वन इज द प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी बॉडी योगर्ट राइस वाटर एंड कम्बुचा. आप इस पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो. बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर है इसका. इट हैज ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस. मैं जब भी इसको खोलती हूँ ना जो फ्रेग्रेंस है वो ऐसे ओह शिट आई जस्ट ड्रॉप्ड द कैप ऑन माय लेग बट एनीवेज जब भी मैं इसको खोलती हूँ ना एक ऐसा बेहतरीन खुशबू आता है. मुझे लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में चली गई हूँ. आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग गाइस. इसको लाइव दिखा देती हूँ थोड़ा सा लेके. बिल्कुल वाटर लाइक टेक्सचर है. शाइन भी प्रोवाइड करता है राइट आफ्टर यू यूज इट. मॉइस्चर है वो लॉक करता है. इफ यू फॉल इन द नॉर्मल टू ऑयली स्किन कैटेगरी यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट पर्टिकुलरली.
उसके बाद मेरे पास है ये अर्थ रिदम का फाइटोसेरामाइड मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन. आई गेव इट टू माय मॉम बिकॉज माय मदर हैज ड्राई स्किन टाइप. एक महीने पहले तो ऑलमोस्ट समर ही था, मॉनसून कहाँ पे दिखता है. हाइलुरोनिक एसिड है, इस पे मॉइस्चर लॉक करता है बॉडी पे. सेरामाइड्स है. अगर आपकी स्किन पे आपको रिंकल्स दिख रहे हैं, हाथ पे, तो सबसे पहले एजिंग के साइंस दिखते हैं. यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट. डेली उसको यूज करें दो टाइम. अगर आप अबव 30 है देन डेफिनेटली यू शुड इनकॉर्पोरेट सेरामाइड्स इन योर स्किन केयर रूटीन. I have another body yogurt. This is the probiotic body yogurt which has snow mushroom and saccharide isomerate. This is slightly thicker than the body yogurt that I showed you before. देखिए बिल्कुल भी runny consistency नहीं है इसका, बिल्कुल thick एक body yogurt है. It does feel a little oily. अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी absorb ही हो जाता है, बहुत time नहीं लेता है. ये particular body yogurt हर एक skin type के लिए अच्छा है. बहुत ही overpriced product Earth Rhythm में मुझे नहीं लगता है कि मिलता है. अच्छा price point होता है, मुझे तो काफी पसंद है इनका जो price point ये रखा होता है. और वो हमेशा कोई ना कोई सेल तो चालू रखती है अपने वेबसाइट पे. तो अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे भी ले सकते हैं या नाइका कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है. उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे एक लिप मास्क. दिस वन हैज अ लिटिल बिट ऑफ कलर इन इट, बट वो बहुत ही मतलब डार्क नहीं है. जैसा कि आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर थोड़ा सा दिखता है. डस मॉइस्चराइज योर लिप्स. विंटर में भी चैप्ड क्रैक्ड लिप्स को बिल्कुल हील सूथ कर देता है. मैंने इसको एक्चुअली पर्सनली परचेज किया था 2022 में जब विंटर का टाइम चल रहा था. सो आई वांटेड टू ट्राई डिफरेंट लिप बाम्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स एंड आई एंडेड अप परचेजिंग दिस एंड आई डोंट रिग्रेट एट ऑल. पी साइज्ड अमाउंट चाहिए, लाइक चीक पी साइज्ड आई विल से, एंड आई विल डेफिनेटली कीप इट इन माई टॉप 5. नेक्स्ट आई हैव ट्राइड दिस डिटॉक्स सोप. अभी तो सोप का जो जमाना है वो बिल्कुल मतलब चला ही गया है कहीं पे. अभी तो लोग बिल्कुल सोप यूज ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी वॉश और बॉडी स्क्रब्स पे डिपेंडेंट है लोग. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू सी अर्थ रिदम इस टाइम पे सोप निकल के ऐसा क्या रेवोल्यूशनरी ला रहा है मार्केट पे. मैं बोलूंगी ये काफी बेसिक एक सोप है. तो इसका जो आउटर पैकेजिंग है वो भी मैंने अभी तक रखा हुआ है जस्ट टू शो यू गाइस. एंड इट इज अ रेक्टेंगुलर सोप. इसका जो कलर है ना वो बहुत ही यूनिक है. लेट मी शो यू गाइस. See, I'm getting a call. Who is calling me at 1 AM? This is too cute of a soap. It would be a perfect gift to your lover, to someone you care for. बहुत ही बेसिक है सोप है, ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसको यूज करने में ना काफी मजा आता है, पता नहीं क्यों. इफ यू स्टिल इन टू सोप्स यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट वंस. नेक्स्ट आई हैव समथिंग आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल इट स्किन केयर प्रोडक्ट. आई वुड रादर कॉल इट अ मेकअप. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिप एंड चीक टिंट. दिस कम्स इन दिस ट्यूब पैकेजिंग with a doe foot applicator. Beautiful lip tint you guys. इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल एक पिंक बार्बी कलर है. कलर तो पर्सनल चॉइसेस होता है, लेकिन टॉकिंग अबाउट द लॉन्जिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट डज स्टे ऑन योर फेस फॉर अराउंड 4 to 5 hours. लिक्विड ब्रशेस जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी. एंड दिस वन इज द टिंटेड लिपी प्लकेट. मैंने एक्चुअली इसके बारे में पहले भी बात किया है मेरे चैनल पे. लुक एट द अमाउंट आई हैव यूज्ड. यू जस्ट नीड टाइनीएस्ट अमाउंट एंड आई स्टिल यूज्ड लाइक अ लॉट. दिस वन इज स्लाइटली डार्कर एंड मुझे ये कलर भी काफी पसंद है. रिच पिंक कलर है ये. कलर डिफरेंस आप यहीं पे देख सकते हैं. ये भी काफी लॉन्ग लास्टिंग है. एक्चुअली अर्थ रिदम में उतना ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स है नहीं, लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने अपने आप से ट्राई किया. आई एम सो मच इनटू लिप एंड चीक टिंट्स नाउ. नॉट ओनली ऑन चीक एक्चुअली, आई ऑल्सो लाइक टू यूज इट ऑन माई आईज. नाउ आई एम गोना बी ऑनेस्ट, मैं टिंट्स लिप्स पे बहुत कम यूज करती हूँ. अगर मैं यूज भी करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं वाटर टिंट्स ही यूज करती हूँ. मुझे एट्यूड हाउस का जो वाटर टिंट है, माई ग्लैम का जो वाटर टिंट है और बेनी टिंट है, वो सब अच्छा लगता है लिप्स पे यूज करना. लेकिन ऐसे क्रीम फॉर्म में जो लिप टिंट्स आते हैं वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है लिप्स पे यूज करना. अपने अपने पर्सनल चॉइसेस होते हैं गाइस. So yeah, these are the products that I had. It was a long ass video. मैं भी थोड़ा सा dehydrated हो गई हूँ. But I really hope you found this video helpful and informative. आज के वीडियो में जो भी products मैंने mention किया है उनके links नीचे description में होगा. मेरे पास एक affiliate code भी है जिससे आपको थोड़ा सा extra discount भी मिल जाएगा. सब कुछ description में mention किया हुआ है guys. If you want to check my socials, I have put all the links in the description box below as well. And if you're new to this channel, please take a moment to subscribe to my channel. Video अच्छा लगा हो तो like कर देना, comment कर देना कौन सा product आपने use किया है, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करने के लिए एक्साइटेड है. आई हैव प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स यू गाइस, सो डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू गिव रिव्यू ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांड जस्ट लाइक टुडेस वीडियो. आई वुड लव टू डू दैट. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इट्स टाइम टू से गुड नाइट, गुड बाय, एंड आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन. होपफुली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई लव यू ऑल सो मच. ड्रिंक योर वॉटर, डू योर स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर प्रॉपरली. पैम्पर योर सेल्फ. सेल्फ केयर इज इंपॉर्टेंट. बाय.